हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस, आपके इंग्लिश की प्रोफेसर फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश कुमार भारती क्लास 10 के यूनिट 1 का 1.3 लेसन ऑन विंग्स ऑफ करेज। ऑन विंग्स ऑफ करेज का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साहस के पंखों पर। ये अर्जन सिंह की बायोग्राफी है। अर्जन सिंह का जन्म 1919 में लालपुर में हुआ था और उनकी डेट 2017 में 98 ईयर्स के थे जब हुई थी दिल्ली में। इससे पहले कि हम लेसन स्टार्ट करें, हम इंडियन एयरफोर्स की पोस्ट और रैंकिंग देख लेते हैं ताकि हमें लेसन पढ़ते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो। इंडियन एयरफोर्स वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस लेसन में हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट है कमीशन ऑफिस रैंक। बाकी 2 पार्ट का हमें इस लेसन में कोई काम नहीं है, इसलिए हम वो नहीं देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कमीशन ऑफिस रैंक किन पोस्ट में डिवाइड किया गया है। कमीशन ऑफिस रैंक में सबसे पहली हायर पोस्ट है मार्शल ऑफ एयर फोर्स, जो 5 स्टार पोस्ट है। सेकंड नंबर पर आती है चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो 4 स्टार पोस्ट है। थर्ड नंबर पर आती है एयर मार्शल की पोस्ट, जिसमें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ और डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ आते हैं, जो कि 3 स्टार पोस्ट है। फोर्थ नंबर पर आती है एयर वाइस मार्शल, जिसे एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ कहते हैं, जो कि 2 स्टार पोस्ट है। फिफ्थ नंबर पर आती है एयर कमोडोर, जिसे एयर ऑफिसर कमांडिंग कहा जाता है, ये 1 स्टार पोस्ट है। सिक्स नंबर पर आती है ग्रुप कैप्टन की पोस्ट। सेवन्थ नंबर पर आती है विंग कमांडर की पोस्ट। एट नंबर पर आती है स्क्वाड्रॉन लीडर की पोस्ट। और सबसे आखिरी वाली है फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन और जानते हैं कि अर्जन सिंह कौन थे। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एन आइकन ऑफ इंडिया मिलिट्री हिस्ट्री विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वार हीरो हु हैड सक्सेसफुली लीड अ यंग इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाकिस्तान वार। यहाँ पर आइकन का मतलब है सिम्बॉल, रिमेम्बर्ड का मीनिंग है रिकॉल। तो जो वायुसेना है, जिसे हम एयर मिलिट्री फोर्स कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट और फाइटर प्लेन यूज़ करते हैं, उसके मार्शल थे अर्जन सिंह। मार्शल एक 5 स्टार रैंकिंग पोस्ट है। यहाँ पर मार्शल का मतलब है एन ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेस। तो सिंह इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री के एक महान मूरत है, जिन्हें हमेशा वार में लड़ने वाले हीरो की तरह याद किया जाएगा। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था कश्मीर को लेकर, जिसमें पाकिस्तानी मिशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ये युद्ध 5 महीनों तक चला था। अप्रैल 1965 में स्टार्ट हुआ था और 23 सितंबर में ख़त्म हुआ था। इस वार में अर्जन सिंह ने इंडियन एयरफोर्स को सक्सेसफुली गाइड किया था। द ओनली ऑफिसर टू अटेंड द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मी 5 स्टार फील्ड मार्शल सिंह वॉज अ फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब है इक्वल इन वैल्यू, एक्सेप्शनल का मतलब है ग्रेट इन स्केल, फ्लोन का मतलब है फ्लाई एंड एयरक्राफ्ट का मतलब है एयरप्लेन। अर्जन सिंह एक लौते ऑफिसर थे जिन्होंने हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल अचीव किया था इंडियन एयरफोर्स में, जो कि एक 5 स्टार एयर ऑफिसर रैंक है। एयरफोर्स का मार्शल रैंक सिमिलर होता है मिलिट्री आर्मी के 5 स्टार फील्ड मार्शल रैंक से। फील्ड मार्शल रैंक क्या होता है? फील्ड मार्शल एक सीनियर मिलिट्री पोस्ट है, जिस तरह इंडियन एयरफोर्स में मार्शल की पोस्ट होती है, बिल्कुल उसी तरह। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि उसे मिलिट्री आर्मी में फील्ड मार्शल कहा जाता है और इंडियन एयरफोर्स में एयरफोर्स मार्शल। सिंह एक फियरलेस और असाधारण पायलट थे। उन्होंने 60 अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। ही प्ले ए मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन एयरफोर्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयर फोर्सेज ग्लोबली एंड द फोर्थ बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयरफोर्स इज मोन्यूमेंटल टू द लीस्ट। द इंडियन एयरफोर्स ग्रू विथ हिम। ही वॉज अ एपिटोमी ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इन क्लासिकल सेंस एंड इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वॉज ऑनर विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कपिल काक सेड। यहाँ पर पटेंट का मतलब है पावरफुल एंड इफेक्टिव, ग्लोबली का मतलब है वर्ल्ड वाइड, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब है हेल, मोनूमेंटल का मतलब है ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, एपिटोमी का मतलब है अ परफेक्ट एग्जाम्पल।
अर्जन सिंह ने एक बड़ा रोल निभाया है इंडियन एयरफोर्स को चेंज करने के लिए, दुनिया के सबसे पावरफुल एयरफोर्स में से एक बनाने के लिए। आज इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में फोर्थ बिगेस्ट एयरफोर्स मानी जाती है। इंडियन एयरफोर्स पहले इतनी पावरफुल नहीं थी, इंडियन एयरफोर्स काफ़ी लिस्ट थी अगर हम पोजिशन की बात करें तो। इंडियन एयरफोर्स को आगे लाने के लिए, ग्रेट बनाने के लिए अर्जन सिंह का सबसे बड़ा हाथ है। अर्जन सिंह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मिलिट्री लीडरशिप का, और अगर देखा जाए तो ये इसी काम के लिए बनाए गए हैं स्टैंडर्ड सेंस के हिसाब से, और इसीलिए ये डिजर्व करते हैं हाई रिस्पेक्ट विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल, ऐसा फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के कपिल काक ने कहा। सिंह वॉज ऑनर विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। सैम हरमोस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानेक शॉ एंड के एम कैरी अप्पा वेर द ओनली टू आर्मी जनरल्स ऑनर विद द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। अर्जन सिंह को मार्शल का रैंक रिपब्लिक डे 2002 में दिया गया था। सैम मानेक शॉ और के एम कैरी अप्पा ये दोनों आर्मी जनरल फील्ड मार्शल जो कि एक 5-स्टार रैंक है उससे नवाजे गए थे अर्जन सिंह से पहले। Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had a profound knowledge about the air power and applied it in a wide spectrum of area. Singh had assiduously led the Indian Air Force during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force, though it was better equipped with American support. His most outstanding contribution was during that war, said Kak. यहाँ पर प्रोफाउंड का मतलब है वेरी ग्रेट, स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, असिडियसली का मतलब है वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल, इक्विप का मतलब है सप्लाई विद द नेसेसरी आइटम्स फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। सिंह एक ऐसे पर्सन थे जो शब्दों पर बिलीव नहीं करते थे, जो एक्शन करके दिखाने में बिलीव करते थे। सिंह सिर्फ एक नीडर पायलट नहीं थे पर उन्हें काफ़ी सारा नॉलेज भी था कि एयर पावर को कैसे संभाला जाता है बड़े क्षेत्र में। सिंह ने काफ़ी मेहनत की थी इंडियन एयरफोर्स को गाइड करने के लिए। 1965 के वार के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स को घर जाने पर वापस मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास इंडिया से काफ़ी बेहतर इक्विपमेंट्स थे जो कि उसे अमेरिका से मिले हुए थे, फिर भी उन्हें वापस जाना पड़ा। का कहते हैं कि सिंह की ये सबसे बेहतरीन कामयाबी थी। कमेंडिंग हिज रोल इन द वार, वाईबी चौहान द देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज अ जेवल ऑफ अ पर्सन, क्वाइट इफिशियंट एंड फर्म, अनएक्साइटेबल बट अ वेरिएबल लीडर। कमेंडिंग का मतलब है ऑफिशियली प्रेजिंग, क्वाइट इफिशियंट का मतलब है फंक्शन इन बेस्ट मैनर, फर्म का मीनिंग है स्ट्रॉन्ग। अर्जन सिंह के इस रोल को सराहते हुए वाईबी चौहान सुरक्षा दल के मिनिस्टर ने लिखा है, अर्जन सिंह किसी कीमती हीरे की तरह है जो बहुत बेस्ट मैनर में फंक्शन करते हैं और काफ़ी स्ट्रांग भी है, जो इजीली एक्साइटेड नहीं होते हैं और एक बहुत काबिल लीडर है। In 1944, the Marshal had led a squadron against the Japanese during the Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal campaign and later assisted the advance of the Allied forces to Yangon. 1944 में मार्शल ने स्क्वाड्रॉन लीड किया था। यहाँ पर स्क्वाड्रॉन का मतलब है एक ऑपरेशनल यूनिट इन एयरफोर्स जो दो या दो से ज़्यादा फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट से बना होता है। ये स्क्वाड्रॉन उन्होंने जापानीज के विरुद्ध अराकन अभियान के दौरान उड़ाया था। अराकन है बर्मा में, बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अराकन पर अचानक हमला किया गया था लाइट पावर द्वारा, तो मार्शल ने स्क्वाड्रॉन को लीड किया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से। उसके बाद उन्होंने इम्फल अभियान में भी भाग लिया था। इम्फल मणिपुर की एक सिटी है जो इंडिया में आती है। जापानीज ने एक बार फिर एशिया पर कब्जा करने का सपना लेकर बर्मा पर अटैक किया था, क्योंकि मणिपुर सबसे करीबी एरिया है। वहां से स्क्वाड्रॉन भेजे गए थे बर्मा के सपोर्ट में। बर्मा की सिटी यांगून में एडवांस अलाइड फोर्स भेजी गई थी जिनको अर्जन सिंह लीड कर रहे थे। In recognition of his feat, he was awarded the Distinguished Flying Cross on the spot by the Supreme Allied Commander of Southeast Asia, the first Indian pilot to have received it. Singh was selected for the Empire Pilot Training Course at Royal Air Force Cranwell in 1938 when he was 19 years old. He retired from service in 1969.
यहाँ पर रिकॉग्निशन का मतलब है एक्सेप्टिंग समथिंग एज ट्रू, फिट का मतलब है अचीवमेंट। उनके अचीवमेंट की याद में उन्हें अवार्ड दिया गया डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, जो कि एक मिलिट्री डेकोरेशन है जो किसी ऑफिसर को उसके हीरोइज्म के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड उन्हें सुप्रीम अलाइड कमांडर के स्थान पर दिया गया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सुप्रीम अलाइड कमांडर एक टाइटल है जो सीनियर कमांडर विद इन मल्टी नेशनल मिलिट्री है। सिंह पहले इंडियन पायलट थे जिन्हें ये सम्मान मिला। सिंह का सिलेक्शन एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयर फोर्स क्रानवेल में हुआ था, जो इंग्लैंड में है, इन 1938। तब वो सिर्फ 19 साल के हुआ करते थे। वो सर्विस से 1969 में रिटायर हो गए थे। सिंह वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 15, 1919 इन लालपुर, नाउ फैजलाबाद, पाकिस्तान, एंड कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन एट मॉन्टगोमेरी, नाउ सहीवाल, पाकिस्तान। हिज फर्स्ट असाइनमेंट ऑन बीइंग कमीशन्ड वॉज टू फ्लाई वेस्टलैंड वेपिटी बाय प्लेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन। कमीशन का मतलब होता है टू गिव समवन द ऑफिशियल अथॉरिटी टू बी एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। असाइनमेंट का मतलब है टास्क। वेस्टलैंड वेपिटी का मतलब है ब्रिटिश टू सीट जनरल पर्पस मिलिट्री सिंगल इंजन बायप्लेन ऑफ 1920। बायप्लेन का मतलब है ओल्ड टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैविंग टू पेयर्स ऑफ विंग्स वन अबो द अदर। सिंह का जन्म अप्रैल 15, 1919 में हुआ था लालपुर में, जो अभी फैजलाबाद पाकिस्तान में आता है। सिंह ने अपना एजुकेशन मॉन्टगोमेरी से कंप्लीट किया था, जो अभी सहीवाल पाकिस्तान में आता है। सिंह को ऑफिसर अथॉरिटी ने टास्क दिया था कि उन्हें वेस्टलैंड वेपिडी बायप्लेन उड़ाना था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस पर से एज अ मेंबर ऑफ द नंबर 1 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन। पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में आता था, पर अभी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट विद द न्यूली फॉर्म नंबर 2 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन, वेयर द मार्शल फ्लू अगेंस्ट द ट्रेबल फोर्सेस, ही लेदर मूव बैक टू नंबर 1 स्क्वाड्रॉन एज अ फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रॉन लीडर इन 1944। ब्रीफ स्टिंट का मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्क। हॉकर हरिकेन का मतलब है ब्रिटिश सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ 1930s। काफ़ी कम समय काम करने के बाद नंबर 2 रॉयल इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रॉन मार्शल ने आदिवासी फोर्सेस के अगेंस्ट उड़ाया था। बाद में वो वापस नंबर 1 स्क्वाड्रॉन में आ गए एज अ फ्लाइंग ऑफिसर, ताकि वो हॉकर हरिकेन उड़ा सके, और फिर उनका प्रमोशन हो गया स्क्वाड्रॉन लीडर की पोस्ट पर 1944 में। For his role in successfully leading the squadron in combat, he was awarded the Distinguished Flying Cross in 1944. On August 15, 1947, he achieved the unique honor of leading a flypast of over 100 Indian Air Force aircraft over the Red Fort in Delhi. Combat का मतलब होता है fighting between armed forces. Flypast का मतलब है a ceremonial flight of an aircraft passing over a place. उनका रोल देखने के बाद कि किस तरह उन्होंने सक्सेसफुली स्क्वाड्रॉन को लीड किया था युद्ध में, उन्हें अवार्ड दिया गया डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस 1944 में। अगस्त 15, 1947 में उन्हें सम्मान मिला कि भारत के इंडिपेंडेंस के दौरान वो 100 से भी ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट रेड फोर्ट इन दिल्ली पे से सेरिमोनियल फ्लाइट की तरह ले जा सके। After his promotion to the rank of wing commander, he attended the Royal Staff College at the UK immediately after Indian independence. He commanded Ambala in the rank of group captain. In 1949, he was promoted to the rank of air commodore and took over as air officer commanding of an operational command, which later came to be known as Western Air Command. यहाँ पर विंग कमांडर का मतलब है सीनियर कमीशन रैंक इन ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स। कमांडेड का मतलब है टू गाइड या फिर टू इंचार्ज। प्रमोटेड का मतलब है रेस टू हायर पोजीशन। और एयर ऑफिसर कमांडिंग एक टाइटल है जो कि एयर फोर्सेस में दिया जाता है एज अ कॉमनवेल्थ। और ऑपरेशनल कमांड का मतलब है टू कंडक्ट द मिलिट्री ऑपरेशन यूजिंग क्राफ्ट विद इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
बाद में उनका प्रमोशन हो गया विंग कमांडर में, जो सीनियर कमीशन रैंक है। इसके बाद उन्हें रॉयल स्टाफ कॉलेज एट यूके अटेंड किया। हिंदुस्तान की आज़ादी के तुरंत बाद उन्हें अंबाला का ग्रुप कैप्टन बना दिया गया। 1949 में उनको एयर कमोडोर बना दिया गया, जो जूनियर रैंक है, वन स्टार रैंक जिसे हम कहते हैं, जो कि AOC भी होता है और ऑपरेशन कमांड देता है। सिंह हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट टेन्यूर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग ऑफ एन ऑपरेशनल बेस, इनिशियली फ्रॉम 1949 टू 1952 एंड देन अगेन फ्रॉम 1957 टू 1961। आफ्टर हिज प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, ही वॉज अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ एन ऑपरेशनल कमांड। यहाँ पर डिस्टिंक्शन का मतलब है हॉनर या फिर एक्सीलेंस। एयर ऑफिसर इन चीफ का मतलब है हेडिंग अ लार्ज कमांड, और ऑपरेशनल बेस मतलब ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट स्टेशन। सिंह को एक्सीलेंस मिला था ऑपरेशनल बेस में, यहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे थे एज एयर ऑफिसर कमांडिंग, इनिशियली 1949 से 1952 तक, बाद में 1957 से 1961 तक। इसके बाद उनका प्रमोशन हो गया टू द रैंक ऑफ एयर वाइस मार्शल, जो कि 2-स्टार पोस्ट है, जहाँ पर वो अब एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हो गए। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 1962 वार, ही वॉज अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एंड ही बिकम द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इन 1963। ही वॉज द ओवरऑल कमांडर ऑफ द जॉइंट एयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा हेल्ड बिटवीन इंडिया एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। यहाँ पर डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का मतलब है सीनियर अपॉइंटमेंट रॉयल एयरफोर्स प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का मतलब है ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन एंड फ्लाइंग टास्क। तो 1962 के वार के दौरान जो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, उसके एंडिंग तक अर्जन सिंह को डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया था, जो कि 3-स्टार पोस्ट है। 1963 में उन्हें वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बना दिया गया था, जो भी 3-स्टार पोस्ट है, और वो जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज शिक्षा के कमांडर भी रह चुके हैं बिटवीन इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स एंड रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। On August 1, 1964, in the rank of Air Marshal, the Marshal of the Air Force, Arjan Singh, took over reins of the Indian Air Force at the time when it was still rebuilding itself and was gearing up to meet the new challenges. यहाँ पर took over reins का मतलब है took over control, और gearing up का मतलब है getting ready. August 1, 1964 में उन्हें Air Marshal बना दिया गया, जो कि 3-स्टार पोस्ट है, जहाँ पर उन्हें उनके हाथ में पूरे इंडियन एयरफोर्स का कंट्रोल आ गया, पर वो अभी भी सीख रहे थे और रेडी हो रहे थे न्यू चैलेंजेस के लिए। सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू कीप हिज फ्लाइंग करेंसी टिल हिज CAS रैंक, हैविंग फ्लोन ओवर 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम प्री वर्ल्ड वार सेकेंड इरा बाय प्लेन टू द मोर कंटेम्प्ररी नेट्स एंड वेम्पायर्स। ही हैज ऑल्सो फ्लोन इन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइक द सुपर कॉन्स्टिलेशन। फ्लाइंग करेंसी का मतलब है डेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। कंटेम्प्ररी का मतलब है ऑफ प्रेजेंट टाइम्स। सिंह ऐसे पहले एयर चीफ रह चुके हैं जिन्होंने अपने एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के स्किल और अनुभव को चीफ ऑफ एयर स्टाफ की पोस्ट तक कायम रखा है। सिंह ने अपनी जिंदगी में 60 डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स उड़ाए हैं। तो अगर हम बात करें उस पीरियड की, तो सिंह वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होने से पहले बायप्लेन उड़ाते आए हैं, जो उस जमाने के थे, और इस जमाने के नेट्स एंड वेम्पायर्स जैसे एयरक्राफ्ट भी उड़ाए हैं। उन्होंने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ाया है, जिसे हम सुपर कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, जो कि कार्गोस कैरी करता है। In 1965, when Pakistan launched its Operation Grand Slam with an armor thrust targeted at the vital town of Akhnoor, Singh led Indian Air Force through the war with courage, determination and professional skill. He inspired Indian Air Force to victory despite the constraint imposed on the full-scale use of Air Force combat power. आर्मर थ्रस्ट का मीनिंग है फाइटिंग व्हीकल्स जैसे कि टैंक्स, और कंस्ट्रेंट का मीनिंग है रिस्ट्रिक्शन। 1965 का वार, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इंडियन पाकिस्तान वार, पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया था अखनूर टाउन, जो कश्मीर में है, उस पर उसे टारगेट करने के लिए। अखनूर ब्रिज को उड़ाना उनका मेन मकसद था। सिंह ने इस दौरान इंडियन एयरफोर्स को मार्गदर्शन दिया
बड़े ही साहस के साथ, विल पावर के साथ और प्रोफेशनल स्किल के साथ उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को जीत हासिल कराई। हालांकि काफ़ी सारी लिमिटेशन लगाई गई थी कि आप पूरी तरह से कश्मीर में एयरफोर्स फाइटिंग पावर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आबादी वाला इलाका है। सिंह वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वार, सब्सिक्वेंटली इन रिकॉग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वार। द रैंक ऑफ द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जन सिंह बिकम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर एस्ट्यूट का मतलब है शार्प एंड इंटेलिजेंट। सिंह को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनके शार्प इंटेलिजेंस से इंडियन एयरफोर्स को गाइड करने के लिए। उनके इस कारनामे के स्मरण में उन्हें चीफ ऑफ एयर स्टाफ की पोस्ट से और ज़्यादा अपग्रेड करते हुए हायर पोजीशन पर ले जाया गया और उन्हें अर्जन सिंह भारत का पहला एयर चीफ मार्शल बना दिया गया। He remained a flyer to the end of his tenure in Indian Air Force, visiting forward bases and units and flying with the squadrons. He retired in August 1969, thereupon accepting the ambassadorship to Switzerland. He was Lieutenant Governor of Delhi from December 1989 to December 1990. Forward bases का मतलब है a secured forward operating military position. एम्बेसेडरशिप का मतलब है हाई रैंकिंग ऑफिशियल हु ट्रैवल टू अनादर कंट्री इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब है हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट आफ्टर द गवर्नर इज इन चार्ज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। और वो लास्ट तक फ्लायर रहे इंडियन एयरफोर्स के। वो इंडिया के फॉरवर्ड बेस में आया जाया करते थे। फॉरवर्ड बेस मतलब एंट्री कंट्रोल पॉइंट, कॉमनली अ मिलिट्री बेस जहाँ पर एयरफील्ड, हॉस्पिटल, मशीन शॉप्स भी होते हैं। वो अगस्त 1969 में रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद वो एम्बेसडर बन गए जो इंडिया को स्विट्ज़रलैंड में रिप्रेजेंट करे। सिंह लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली भी रह चुके हैं दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990 तक। हैविंग बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल द पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस थ्रू द ईयर्स, द गवर्नमेंट कंफर्ड द रैंक ऑफ द मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अपॉन अर्जन सिंह इन जनवरी 2002, मेकिंग हिम द फर्स्ट एंड ओनली 5-स्टार रैंक ऑफिसर विथ इंडियन एयरफोर्स। पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, कन्फर का मतलब होता है ग्रैंट। तो इसी तरह सिंह अपने एयर मिलिट्री स्टाफ के लिए सालों तक प्रेरणा बनते रहेंगे। गवर्नमेंट ने सिंह को रैंक ऑफ मार्शल दिया था जनवरी 2002 में, जो उन्हें पहला 5-स्टार रैंक ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनाते रहेंगे। और यहाँ पर अपना लेसन फिनिश होता है।